हमारी तरह पौधों को भी सेहतमंद रहने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जो कि उन्हें खाद एवं उर्वरक, सिंचाई जल, मिट्टी और सूर्य के प्रकाश से लगातार प्राप्त होता रहता है। किसान भाइयों, अक्सर आप खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आपूर्ति के लिए उर्वरकों का व्यवहार करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कई बार अच्छी फसल लेने में नाकामयाब होते हैं, जिसके पीछे बस एक ही कारण है कि आपके खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। और हाँ, कई बार अच्छे उत्पादन के लिए जल प्रबंधन का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए गौर करते हैं इन दोनों पहलुओं पर। किसान भाइयों, हमारी तरह पौधों को भी अच्छी पैदावार और विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जो उन्हें खाद उर्वरकों, मिट्टी, पानी एवं सूर्य की रोशनी से मिलता है। उर्वरक प्रबंधन की बात बिचड़ा तैयार करने के दौरान ही की जानी चाहिए। पौधशाला में अच्छी तरह सड़ी हुई 15 से 20 क्विंटल गोबर की खाद, 1 किलो नाइट्रोजन, जिसके बदले आप 2.5 किलो यूरिया या फिर 5 किलो अमोनियम सल्फेट या 1 किलो फॉस्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी आपूर्ति आप 6.25 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट या 2.25 किलोग्राम DAP डालकर कर सकते हैं। 0.5 किलो पोटाश या 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और 25 किलो जिंक सल्फेट का उपयोग भी करना चाहिए। बुआई या रोपाई के पहले खेत को तैयार करके 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी खाद या कंपोस्ट को रोपाई से एक महीने पहले मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। आइए अब जरा इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 80 से 100 दिनों में तैयार होने वाली ऊंची किस्मों में 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर स्फूर और 15 से 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।